हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर फाइन, राइट? सो दिस इज़ प्रतीक पटेल फ्रॉम निफ्टी मिलियनर। तो आज मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ जो मुझे लिटिल बिट कंसर्न लग रहा है मार्केट में, राइट? जो ये मार्केट 3 दिन जो नीचे आया है, राइट, आप देख सकते हो 3 दिन मार्केट ने यही जो उस दिन का जो लास्ट जो फॉल था उसकी रेंज में स्पेंड किया है। तो ये एक लिटिल बिट कंसर्न है फ्रॉम द बुल साइड, क्योंकि अगर तेजी इतने स्ट्रांग है तो वाई दे आर नॉट एबल टू गो अप, राइट? ये लेवल को क्यों ब्रेक नहीं कर पा रहे? तो वी कैन, कल अगर मान लो ये लेवल के नीचे, अगर मान लो 19,500 है, उसके नीचे जाता है, जैसे मान लो यहाँ पे जाके कहीं पर सस्टेन करता है, वी कैन लुक फॉर अ शॉर्ट अपॉर्चुनिटी, राइट? बिकॉज मार्केट इज़ नॉट एबल टू गो अप फास्ट। और अगर ऐसा ही रहा तो ये लिटिल बिट ज़्यादा कंसर्न रह सकता है और मार्केट में एक हैवी सेलिंग भी आ सकता है। बट लेट सी दैट वेदर मार्केट एबल टू ब्रेक जो रिसेंट लो, और कल जो मैंने बताया 19,500 के आसपास अगर फ्यूचर में आता है और उसका सस्टेन करता है, तो वी कैन लुक फॉर अ शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज। लॉन्ग तभी कर सकते हैं हम जब तक ये जो रिसेंट जो हाई है जो मैंने आपको बोला, जहाँ पे ब्रेक डाउन करके एक बड़ा सेलिंग आया था हमें 19,760, उसको क्रॉस नहीं करे तब तक वी कैन नॉट एक्सपेक्ट बिग अपसाइड, राइट? सो वी हैव टू ऑब्जर्व एंड सी, बिकॉज सच काइंड ऑफ थिंग अगर आप देखें, ये 3 दिन डाउन गया, फिर उसके बाद ये अप गया, तो चांसेस होता है कि ये कंटिन्यूएशन भी कर सकता है मार्केट, राइट? ये जस्ट आपको एक रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बट पॉइंट क्या है कि मार्केट सेलिंग में ज़्यादा नीचे आ सकता है। तो ध्यान रखिए कि जब तक ये लेवल जो है वो क्रॉस ना करे बाजार, जो रिसेंट हाई है, तो वी 19,760, राइट? सो कल हम देख सकते हैं कि क्या हो सकता है आगे। फिर बैंक निफ्टी अगर आप देखो तो सेम वे, बैंक निफ्टी में भी ऐसा ही है। बैंक निफ्टी भी 3 दिन नीचे आया, उसके बाद ये रेंज में प्ले कर रहा है। तो अगर ऐसे ही रहा, अगर बुल्स की स्ट्रेंथ नहीं रही, तो बैंक निफ्टी भी कैन गो डाउन, राइट? सो वी हैव टू ऑब्जर्व दैट हाउ मार्केट गोज फर्दर फ्रॉम हियर। सो मेक श्योर दैट बैंक निफ्टी में भी जो 45,600 जो लेवल है, काफ़ी लोग मैं कल देख रहा था बोल रहे थे इसको ब्रेकआउट करेगा, मेरे को इंटरेस्ट है इसको ब्रेकआउट करने में ज़्यादा, 45,600 अगर उसको ब्रेकआउट करेगा तो आपको और अच्छा लॉन्ग अपॉर्चुनिटी मिलेगा। बट तब तक आई थिंक वी हैव टू वेट फॉर अ क्लियर सिग्नल। सो अगर मान लो कल बैंक निफ्टी 44,800 के नीचे जाके सस्टेन करता है, जैसे मान लो यहाँ पे गया और उसका सस्टेन, तो वी कैन लुक फॉर शॉर्ट अपॉर्चुनिटी। जहाँ आपके सस्टेन करने का ब्रेक डाउन आता है, तो वी कैन लुक फॉर अ शॉर्ट अपॉर्चुनिटी, राइट? सेम वे फिन निफ्टी अगर आप देखो, वन मिनट, या फिन निफ्टी भी अगर आप डेली का उसका ट्रेंड देखेंगे तो बड़ा आया, फिर कुछ दिन सस्टेन किया, फिर अगेन। तो अभी या बैंक फिन निफ्टी में भी ऐसा ही है, फिन निफ्टी जो ये रिसेंट जो गैप डाउन हुआ था जो लेवल, उसको क्रॉस नहीं करता है, जो लेवल था 20,250 मोटा मोटी, तो उतना तेज़ी हम नहीं कर सकते। बट आप देखो ऊपर जाने की स्पीड बहुत कम हो गई है, जो पहले बहुत फास्ट थी। तो अगर मान लो कल यहाँ पे गैप डाउन होता है 19,900 या नीचे जाता है और फिर वहाँ पे सस्टेन होता है, तो वी कैन लुक फॉर शॉर्ट अपॉर्चुनिटी। लॉन्ग 20,250 के ऊपर सस्टेन करें तभी हम सोच सकते हैं, बट तब तक वी कैन नॉट थिंक अबाउट शॉर्ट। बट शॉर्ट भी आप इंट्राडे कीजिए अभी तक, बिकॉज ब्रॉड ट्रेंड डाउन नहीं हुआ है। सेम वे अगर आप स्मॉल कैप देखेंगे, स्मॉल कैप में एक बड़ा सेलिंग आया जो हमने डिस्कस किया था, तो इसको क्रॉस करे तो वी कैन गो एग्रेसिव, राइट? बट उसको जैसे आप, क्या हुआ, अप हुआ, नीचे खुला, नीचे गया, फिर आज भी गैप अप हुआ और उसके बाद सेलिंग आया। तो जो मैंने आपको बोला वो कंसर्न, अभी मार्केट आपको एक ब्रॉड इंडेक्स में भी दिखा रहा है और स्मॉल कैप में भी दिखा रहा है, तो हमें ये देखना चाहिए कि ये जो रिसेंट आई है उसको क्रॉस करता है नहीं करता है स्मॉल कैप, और कैसे सस्टेन आता है, बिकॉज गैप अप होने के बाद सेलिंग आता है, फिर अगेन वापस आ जाता है मार्केट। तो आज वापस भी आया, बट वी हैव टू ऑब्जर्व दैट क्या ये कितने दिन तक ऐसा चलता है, क्या एक बार ऐसा भी सेलिंग आ सकता है कि फिर वापस रिवर्स ही ना हो, तो उस टाइम हमें फिर अपने रिस्क मैनेजमेंट को टाइट करना चाहिए और वी हैव टू कीप ऑब्जर्विंग, राइट? सो आई होप यू आर लर्निंग दिस सीरीज़। एंड मैं देख रहा हूँ बहुत कम लोग लाइक करते हैं, कॉमेंट करते हैं, और मैंने देखा है बहुत कम लोग सब्सक्राइब किए हुए चैनल्स को, और आपको रेगुलर वीडियोस चाहिए तो क्लिक ऑन द बेल आइकन, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले जैसे ही हमारा वीडियो अपडेट हो, राइट? सो मेक श्योर दैट आप कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिए, और आप बताइए कि आपको ये सीरीज़ कैसे हेल्प कर रहा है। एंड थैंक यू सो मच।